अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉलीवुड 24 में मैं आप सबका खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सनम जंग की तलाक की खबरें उरूज पर थीं और सब लोगों का कहना था कि वो अपने शोहर से तलाक ले चुकी हैं और वो अलग अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जी हाँ, सनम जंग ही की बात की जा रही है, जो कि मॉर्निंग शो में भी आपको नज़र आती थी और ड्रामा इंडस्ट्री में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। उन्होंने आते ही अपने फैंस का दिल जीत लिया, लेकिन एक ऐसी खबर आजकल उरूज पर थी जिससे मदाहों का दिल बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो रहा था और हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये खबर सच है या नहीं है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस खबर में कितनी हकीकत है और कितनी नहीं। इस सब के बारे में सनम जंग का क्या ख्याल था, सनम जंग ने अपनी राय से हमें कैसे आगाह किया और ऐसी क्या वजह थी जिसकी बिना पर ये खबरें उरूज पर थीं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बताते हैं आपको। सोशल मीडिया अकाउंट में सनम जंग की तस्वीर के नीचे एक फैन ने पूछा कि क्या आपकी अलहदगी हो चुकी है, तो सनम जंग ने उनका जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, मेरी अलहदगी आप ही की वजह से हुई है। अलहदगी यानी वो डिवोर्स ले चुकी हैं। ये बात हम नहीं जानते कि ये बात उन्होंने मजाहिया तौर पे कही थी, जिसको बहुत ही ज्यादा उरूज पर चढ़ा दिया गया और हर तरफ ये खबरें गर्म थीं कि सनम जंग की अलहदगी हो चुकी है। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया के तमाम तरह अकाउंट्स इसी बात से भरे हुए थे कि सनम जंग ने अलहदगी ले ली है। लेकिन हाल ही में सनम जंग ने अपने फैंस के साथ चैट पर बताया कि उन्होंने तलाक नहीं ली है, वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। जैसा कि वो बताया करती थीं कि उनके शोहर बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं, जो कि उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। उनके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। उन्हें कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती है जिसकी वजह से वो उन्हें तलाक लें। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा है जिसके साथ वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है। कसम, उनकी बचपन की मोहब्बत है और वह कभी सोच भी नहीं सकती हैं कि वह कभी उनसे दूर रहें। इस खबर जानकर मुझे तब हुई है बहुत ही ज़्यादा खुशी। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।